हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई पीओ प्री के कुछ रियल क्वेश्चंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में है, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा कि आईबीपीएस पीओ प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एसबीआई पीओ प्री के रियल क्वेश्चन हैं। ये पेपर हुआ था 14 जून 2019 को, तो एकदम रिसेंट ये क्वेश्चन हैं और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। देखिए, ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ से यदि आप पढ़ें, इफ़ यू हैड रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशंस होती हैं, तीन कंडीशंस होती हैं। तो एक कंडीशन होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, ठीक है, ये पास्ट में इसको हम लिखते हैं। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडीशन वाला पार्ट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली, यदि आपने ऐसा किया होता, यदि आपने रिलेवेंट लिटरेचर को अच्छे तरीके से पढ़ा होता, यू वुड हैव आंसर्ड, आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दे दिया होता, ये पास्ट में होता है। तो इसमें कंडीशन वाला जो पार्ट है, जो इफ से स्टार्ट होता है, इसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड रेड एंड रेड, उसकी स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन उसको हम पढ़ते रेड है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इफ यू हैड रेड, रेड वॉट द रिलीवेंट लिटरेचर केयरफुली, तो यहाँ तक ये सही है, यू वुड हैव आंसर। देखिए, इसमें हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कंडीशन पार्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम रिजल्ट पार्ट बोलते हैं, इसमें हम वुड हैव, कुड हैव लगा सकते हैं, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, तो ये सेंटेंस जो है ये सही है, ठीक है। और इसका आंसर होगा 5, यानी नो एरर। तो ये एसबीआई पीओ प्री का रियल क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ प्री में। तो इस वीडियो क्लास को प्लीज एंड तक देखिए, इसमें मैं 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। यहां से देखिए, यू मे नॉट नो इट, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये सही है, यू मे नो इट, बट दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी ये क्वेश्चन है। देखिए, यू मे नॉट नो इट, हो सकता है आपको इसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन बट दिस इंजन इज क्लेम्ड, लेकिन इस इंजन के बारे में ऐसा क्लेम किया जाता है। देखिए, एक ये वर्ब पैटर्न है कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, बट दिस इंजन इज क्लेम टू। अब देखिए, यहां पर क्लेम टू हैव लिखा हुआ है, ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, इस इंजन के बारे में ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये इंजन अपने प्रीवियस इंजन से दो गुना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो एक होता है बी और एक होता है, सिंपल लॉजिक लगाइए, ग्रामर में मत जाइए, सिंपल लॉजिक लगाइए। इस समय बी का मतलब होता है होना और हैप का मतलब है कि आपके पास कोई चीज है, तो हम पावरफुल होने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि इंजन के पास कुछ है, हम इंजन के पावरफुल होने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हम किसी चीज को ओन करने की बात नहीं कर रहे, इसलिए हैव नहीं आएगा, किसी चीज के होने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर बी आएगा, क्लेम टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, यानी ये जो वर्ड है इसमें ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिंपल लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, यानी सी पार्ट इसमें आपका गलत है। अब सी दिया कहां पर है, सी दिया है फर्स्ट में, यानी इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस चेंज किया है और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कि यू मे नॉट नो इट, हो सकता है आपको इसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन ये जो इंजन है अपने प्रीवियस इंजन से, प्रीवियस काउंटर पार्ट से दो गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस प्लीज़ हैव कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में एक एडिशनल वर्ड इंसर्ट करके उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है।
इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस, यदि आप प्रॉम्प्ट सर्विस लेना चाहते हैं, ये इंश्योर जो है ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगी है जो कि सही है, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर, इंश्योर वॉट, प्रॉम्प्ट सर्विस, ठीक है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल, इसमें हैव एडिशनल वर्ड एक बीच में डाल दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल, यदि आप प्रॉम्प्ट सर्विस चाहते हैं, यदि आप तेज़ी से सर्विस चाहते हैं, अच्छी सर्विस चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एज अर्ली एज पॉसिबल, तो यहाँ पर सी जो पार्ट है ये गलत है, ठीक है। और सी दिया किस में है, सी दिया है थर्ड में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर के हैं, लेकिन इसमें अप्लाइड ग्रामर आपकी टेस्ट की जा रही है, ना कि थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ग्रामर के। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अप्लाइड ग्रामर के आस्पेक्ट्स को आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि थ्योरी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए, जस्ट बिफोर द डीमोनिटाइजेशन स्टार्टेड, डीमोनिटाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले, द पुलिस अराइव एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इनविटेशन। डीमोनिटाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले ही पुलिस साइट पर पहुंच गई जैसे कि उनको इनविटेशन दिया गया हो, एज इफ दे हैड रिसीव्ड। ये फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पर, ये सही है, लेकिन इसमें टेंस के कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है कि टेंस आपका कितना अच्छा है, ठीक है। लेकिन टेंस का अप्लाई कॉन्सेप्ट आपको देखना है यहाँ पर, जस्ट बिफोर द डीमोनिटाइजेशन स्टार्टेड, क्योंकि ये स्टार्टेड है तो फिर ये भी तो अराइव्ड होगा, ये दोनों ही घटनाएं पास्ट में हुई हैं, स्टार्टेड एंड अराइव्ड, ये और ये पास्ट में हुई है, दोनों ही घटनाएं पास्ट में हुई हैं, और पास्ट सिंपल टेंस को हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें हमें लगाना पड़ेगा, इसमें हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा अराइव्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है ये अराइव होगा, यानी बी पास्ट इसमें गलत है। अब बी दिया कहाँ पर, बी दिया है थर्ड में, तो आपका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज लैंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेजेस, गाँव के जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, फ्लड यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, वहाँ के लोगों को एक ग्रुप है यंगस्टर्स का, यंग लोगों का, उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है, यंगस्टर्स है या ग्रुप है, यहाँ पर रियल जो सब्जेक्ट है ये ग्रुप है, यंगस्टर्स नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें एक्चुअली दो तीन कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है, एक तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक इसमें टेंस का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें रियल सब्जेक्ट यंगस्टर्स नहीं है, इसमें रियल सब्जेक्ट ग्रुप है, तो इसलिए हैज़ यहाँ पर सही है। लेकिन हैज के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लैंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लैंड थर्ड फॉर्म होता है, LENT, ठीक है। बोरो मतलब उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है। बोरो और लैंड ये अपोजिट वर्ड्स हैं, तो लैंड यहाँ पर गलत होगा, इसके स्थान पर होगा लैंड, लैंड सही होगा, यानी बी पार्ट गलत है। अब बी दिया कहाँ पर है, बी दिया है सेकेंड में, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट को लूज नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। देखिए ये भी एक अप्लाइड ग्रामर पर बेस्ड एक सेंटेंस पूछा गया है SBIPO प्री में। व्हाट टू मेक पीपल टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज़ डिफिकल्ट टू अनफोल्ड, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो लोगों को टेंस करती है वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है जिसको अनफोल्ड करना मुश्किल है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर इज दिया गया है, इज मतलब वर्ब है, यानी यहाँ पर इससे पहले वाला जो पार्ट होगा वो एक सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, और क्लॉज आपने यदि सुना हो सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज, तो क्लॉज को हम एक सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, क्लॉज एक छोटे से एक्शन का ही नाम होता है, एक छोटा सा एक्शन उसमें बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक्चुअली यहां पर हम बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट मेक्स पीपल टेंस इज एक्चुअली ए मिस्ट्री, मतलब जो चीज लोगों को टेंस करती है वो एक रहस्य है जिसको अनफोल्ड करना मुश्किल है। तो यहां पर हम व्हाट की बात कर रहे हैं कि जो चीज लोगों को टेंस करती है,
ठीक है। तो वॉट एक्चुअली एक सिंगल सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम यहां पर बोलेंगे वॉट मेक्स, यहां पर हम बोलेंगे वॉट मेक्स, क्योंकि वॉट एक सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर हम बोलेंगे वॉट मेक्स। इसमें टू नहीं आएगा, इसमें हम बोलेंगे वॉट मेक्स पीपुल टेंस इज एक्चुअली ए मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू अनफोल्ड। ठीक है, तो यहां पर ये क्लॉज बनेगा, और क्लॉज का जो सही पैटर्न होगा वो होगा वॉट मेक्स पीपुल टेंस, ना कि वॉट टू मेक पीपुल टेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, SBI PO हो या IBPS PO हो, उसमें अप्लाइड ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि थियोरिटिकल ग्रामर के। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, और इसमें ए पार्ट आपका गलत है, लेकिन ए दिया कहाँ पर है, ए दिया है थर्ड में, ए दिया है थर्ड में, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के रियल क्वेश्चंस हैं, और एकदम रिसेंटली ये पूछे गए हैं, SBI PO प्री में जून में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे 30 के 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन फिजियोलॉजी एंड इन मेडिसिन इज टू स्टडी फिनोमिना इन ऑर्डर टू बिकमिंग देयर मास्टर। देखिए आपने कुछ इस तरह के फ्रेजेस सुने होंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, इन ऑर्डर टू। देखिए इन ऑर्डर टू जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, लुक फॉरवर्ड टू प्रपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद हम ING फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज होता है, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू के बाद हम वर्ब की ING फॉर्म नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इन ऑर्डर टू एक्चुअली पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ PO, आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ PO, इन ऑर्डर टू एक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका निगेटिव फॉर्म भी होता है, इसका निगेटिव फॉर्म होता है इन ऑर्डर नॉट टू, इन ऑर्डर नॉट टू इसका नेगेटिव फॉर्म होता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव फॉर्म है, और यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर हम ING फॉर्म नहीं लगाएंगे, एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह ये यूज होता है। इन ऑर्डर टू बिकम ये दिया है इसमें ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर होगा। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं, एक फ्रेज दिया रहता है, फ्रेज यदि सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, फ्रेज यदि गलत है तो उसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं ये उसमें आपको बताना पड़ता है। आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ फॉर फियर ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द आर्ग्यूमेंट टू टू ग्रेट एन एक्सटेंट। मतलब मैं अपने आप को रोकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, और टू टू ग्रेट एन एक्सटेंट मतलब आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए कि उसका मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, ये यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है, आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ फॉर फियर ऑफ, मतलब इस डर की वजह से मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ, अपने आप को रोकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है टू टू ग्रेट एन एक्सटेंट, ये सही है यहाँ पर। एक्चुअली रिप्लेस आपको इस पार्ट को करना है, उस पार्ट से आपको रिप्लेस नहीं करना है, ये पार्ट एक्चुअली सही है, रिस्ट्रेन माई सेल्फ फॉर फियर ऑफ, रिस्ट्रेन माई सेल्फ फॉर फियर ऑफ, ये आंसर आपका यहाँ पर होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये जो फ्रेज है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सही है, आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ फॉर फियर ऑफ। ठीक है, देखिए इसमें नो सूनर का एक क्वेश्चन आया है, और ये भी एक ग्रामर का, अप्लाइड ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, कि नो सूनर जब कोई भी निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो उसमें एक इन्वर्जन का रूल होता है। इन्वर्जन का रूल का मतलब ये है कि नॉर्मली हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, वर्ब को बाद में रखते हैं, लेकिन जब कोई निगेटिव वर्ड या सेमी निगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी वर्ब शुरू में आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसमें एक्चुअली नो सूनर के बाद यहाँ पर देन नहीं आता, यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। तो नो सूनर के साथ, नो सूनर के बाद वर्ब कहाँ पर है, इसमें वर्ब यहाँ पर है, नो सूनर हैड ही बीन इलेक्टेड द CM ऑफ UP देन, ये एक्चुअली इसका सही स्ट्रक्चर होगा, डी। ठीक है, तो देखिए किसी को इलेक्ट किया जाता है, जब कोई व्यक्ति CM बनता है तो उसको इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्ट होता नहीं है, उसको इलेक्ट किया जाता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट वो होता नहीं है, उसको CM अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, यानी यहाँ पर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है इसमें।
एक्टिव वॉइस में डूअर खुद काम करता है, पैसिव वॉइस में डूअर के ऊपर कुछ काम होता है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लगेगा। नो सूनर, देखिए यहाँ पर वैसे ये सही है, डी नो सूनर हैड ही बीन, ठीक है ये बीन आ गया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। लेकिन यदि ये ऐसे होता है नो सूनर हैड ही इलेक्टेड तो ये गलत हो जाता, यानी लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन में यदि ये होता तो ये गलत होता। लेकिन ये जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सही है, नो सूनर हैड ही बीन, हैड ही बीन ही हम बोलेंगे क्योंकि यहां पर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गया है इसमें, इसलिए हैड ही इलेक्टेड ना बोलते हुए हैड ही बीन इलेक्टेड सही होगा। यहां पर हैड ही का यदि ऑप्शन होता इसमें तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते और उस ऑप्शन को लगा देते, लेकिन हैड ही बीन यहां पर सही होगा क्योंकि पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट यहां पर इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें आंसर होगा आपका ये वाला डी, ठीक है। नो सूनर के बाद यहां पर वर्ब आएगी नो सूनर, और पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ऐसे नहीं होगा कि नो सूनर ही हैड, यदि ऐसे भी होता तो ये गलत हो जाता। नो सूनर ही हैड ना बोलते हुए हम बोलेंगे नो सूनर हैड ही, और नो सूनर के बाद हम हमेशा देन लगाते हैं, और देन में भी हम टी एच ए एन देन लगाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, टी एच ई एन यदि ये होगा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है सूनर, और सूनर के बाद हम देन ही लगा सकते हैं, टी एच ए एन ही लगा सकते हैं, टी एच ई एन हम नहीं लगा सकते। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डी इसका सही आंसर होगा। सभी जगह देखिए अप्लाइड एस्पेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के अप्लाइड एस्पेक्ट आपके चेक किए जा रहे हैं और काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं आप, आपको ग्रामर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आप रीडिंग करें और एनालाइज करें तो अप्लाइड ग्रामर आपको डेफिनेटली आ सकती है। देखिए यहाँ पर देखिए ऑल दिस हैव टेकन 18 ईयर्स ऑफ टेनिस एफर्ट, मतलब इस सारी चीज में 18 साल का कड़ा परिश्रम लगा है, टेनिस मतलब लगातार चलने वाला, ठीक है। तो ऑल दिस, दिस क्या होता है, दिस मतलब सिंगुलर, ऑल दिस इस सारी चीज में, इस सारी चीज को करने में, तो ऑल दिस का मतलब है एक सिंगल एंटिटी, मतलब इस सारी चीज को करने में 18 साल का टाइम लगा है, लेकिन वो जो सारी चीजें हैं वो एक सिंगुलर एंटिटी की तरह उसको हम यहां पर लिख रहे हैं, एज ए होल हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ऑल दिस जो होगा ये सिंगुलर होगा, हैज यहां पर आएगा, ऑल दिस हैज टेकन 18 ईयर्स ऑफ टेनिस एफर्ट्स, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए। इस पूरे काम को कंप्लीट करने में 18 साल लगे हैं, लग चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगेगा, और सिंगुलर प्लूरल का एक कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें एक सेंटेंस के अंदर दो या तीन कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बाय पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड टू गिव वुमेन, देखिए यहां पर स्ट्रक्चर गलत है, ये यहां पर ये स्ट्रक्चर इसलिए गलत है क्योंकि एंड के द्वारा दो सेम एंटिटी को हम जोड़ते हैं, यहाँ पर यदि बिल्डिंग बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम गिविंग बोलेंगे, बाय पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड गिविंग, यहाँ पर ही गिविंग होना चाहिए, लेकिन इसमें देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, बाय पुटिंग अप ए बिल्डिंग एंड गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए प्रोटेक्टेड एंड नॉर्मल सीमिंग लाइफ आफ्टर द एक्सप्लोरेशन दैट दे हैव बीन थ्रू इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, इसमें बाय नहीं आएगा। देखिए बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है कि इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे बाय हेल्पिंग देम, बाय गिविंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट वी कैन हेल्प देम, ठीक है। तो बाय के द्वारा तो हम किसी मेथड को बताते हैं कि ऐसा इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं बाय पुटिंग अप अ बिल्डिंग एंड गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए प्रोटेक्टेड एंड नॉर्मल सीमिंग लाइफ आफ्टर द एक्सप्लॉयटेशन दैट दे हैव बीन थ्रू, औरतों के बारे में बता रहे हैं, विमेन के बारे में बता रहे हैं कि जिस चीज़ से उनका शोषण हुआ है, उस चीज़ से वो गुजरी हैं, उसके बाद उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना जिसमें वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, ये तो केवल एक फर्स्ट स्टेप होगा। तो बाय ना आते हुए इसमें हम लगाएंगे बट, और ये स्ट्रक्चर भी ऊपर वाला गलत है, तो इसमें हम बोलेंगे, ये बोलेंगे इसमें बट पुटिंग अप ए बिल्डिंग एंड गिविंग द वुमेन, तो यहाँ पर बट्स लगाने से इसका सेंस भी सही निकलेगा, और पुटिंग अप ए बिल्डिंग एंड गिविंग ये दो वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर भी ये सही हो जाएगा, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है,
बिल्डिंग एंड गिविंग यहां पर हम लगाएंगे और यहां पर हम बट लगाएंगे, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये तो केवल फर्स्ट स्टेप होगा, लेकिन ये तो केवल फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। यदि यदि हम बाय यहां पर लगाएंगे उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलेगा। एक्चुअली इसमें यदि बाय लगाएं आप तो इसका अर्थ होगा कि बाय पुटिंग अप ए बिल्डिंग एंड गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए प्रोटेक्टेड एंड नॉर्मल सीमिंग लाइफ वी कैन हेल्प देम, ऐसा करके हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो बोल रहा है वो कुछ अलग बोल रहा है कि ऐसा करना तो केवल फर्स्ट स्टेप ही होगा, इसके आगे भी बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। इसलिए बाय ना आते हुए हम यहाँ पर बट लगाएंगे और इसमें आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो ये एस बी आई पी ओ प्री के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ही इज क्वाइट अ राइट इन हिज अप्रोच। क्वाइट अ राइट नहीं होता, क्वाइट राइट होता है। राइट एक एडजेक्टिव है, क्वाइट एक एडवर्ब है। तो सही जो स्ट्रक्चर है ही इज क्वाइट राइट, ठीक है। ही इज क्वाइट ऑल राइट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑल राइट का मतलब पूरी तरीके से सही और क्वाइट का मतलब भी पूरी तरीके से होता है, यानी यहां पर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट ऑल राइट गलत स्ट्रक्चर है, क्वाइट राइट सही है, ठीक है। तो ऑल राइट एक्चुअली ये जो वर्ड है इसको ये स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसे बोल सकते हैं ऑल राइट, लेकिन अलग अलग लिखा जाता है ये ए डबल एल आर आई जी एस टी। ऑल राइट गलत है यहाँ पर, ऑल राइट के साथ क्वाइट भी गलत है यहाँ पर, तो ही इज क्वाइट राइट होगा। अब इसमें देखिए क्वाइट के भी कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं। क्वाइट में ये क्वाइट कर दिया है इसको, क्यू यू आई ई टी कर दिया है इसको। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, इस क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से सही है। तो इन दोनों में भी अंतर है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर सी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सी गलत होगा यहाँ पर। यहाँ पर सही होगा ए, क्यू यू आई टी ई, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये एस बी आई पी ओ प्री के रियल क्वेश्चन हैं। और यदि किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं अभी एक ऑफ़र दे रहा हूँ और ये ऑफ़र भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ही मैंने शुरू किया है। इसमें बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की तैयारी, दोनों कोर्सेज की तैयारी आप केवल इस प्राइस में कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट कोड लगाना पड़ेगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये डिस्काउंट कोड लगा के आप इस प्राइस में बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की पेड क्लासेस एक साल तक आप पढ़ सकते हैं मेरे से, और इसमें ई बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इन दोनों टारगेट बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस examinee.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलती हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें अभी स्टडी कर रहे हैं। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप इन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। एस बी आई पी ओ प्री के और दूसरे एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर सॉल्व आपको करवाऊंगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।